ये सारा कचरा कुल्लू वालों के लिए गिफ्ट में दिया गया है, जो साथ नहीं जाएगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज अभी शाम का टाइम है और मैं बबड़ी नेचर पार्क से वापस आई हूँ। तो मैं आई हूँ ढालपुर। तो ढालपुर में जैसा कि आपको पता था कुल्लू में दशहरा लगा है, तो दशहरे की लगभग सभी दुकानें उठ चुकी है। और अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पर आपको कूड़ा कितना ज़्यादा हुआ है मेला ख़त्म होने के बाद। यहाँ के नज़ारे आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये कूड़ा उसके बाद जाता कहाँ है, क्योंकि बस स्टैंड में साथ में ही वहाँ पर इतने ज़्यादा कचरों के ढेर लगे हुए हैं। उसे जलाया भी जा रहा है पर स्मेल इतनी गंदी है और इतना ज़्यादा कूड़ा है, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया आजकल कुल्लू में। तो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ पर हमारी कुल्लू की हालत। तो अभी रैलियाँ भी शुरू हो गई है, वोट आ रहे हैं, आप सभी भी ज़रूर वोट दें। तो इस करके भी इन सभी को यहाँ से उठाया जा रहा है, ये देखिए। और पूरे ढालपुर में इसी तरह से कूड़ा फैला हुआ है और सभी चीज़ें सस्ती हो गई है। 100 के 4 गर्म कपड़े आप ले सकते हैं यहाँ से। और ये सारा कचरा कुल्लू वालों के लिए गिफ्ट में दिया गया है, जो साथ नहीं जाएगा। जाते जाते बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है लोगों की। इन सब की जिम्मेवारी कौन लेगा? और ये असली कबाड़ अभी जाके निकला है, जो सस्ते में बिक रहा है। असली शॉपिंग तो लोगों की अब होती है लास्ट में, एंड में जाके, जाते जाते सामान सस्ता हो जाता है। लोगों को भी ऐसे समय में बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है दुकानें उठाने के लिए, उनका सामान उठा कर ले जाते हैं लोग, कमेटी वाले, या फिर कई लोग ऐसे ही भाग जाते हैं अगर वो अपनी दुकान जल्दी नहीं उठाते हैं तो। कूड़ा ही कूड़ा पूरे ढालपुर में आपको कूड़ा ही नज़र आएगा। और अभी तो दुकानें पूरी तरह नहीं उठी है, जब सभी दुकानें पूरी तरह उठ जाएगी उसके बाद असली कूड़ा यहाँ पर नज़र आता है। और ये जहाँ जा रहा है वहाँ के हालात देखने लायक नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कूड़े की ढेर। मेला अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये कूड़ा इस तरह से अपने कुल्लू की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जाती है। जब ये जितनी दुकानें बची हुई है, जब ये भी उठ जाएगी उसके बाद अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी हमारे कुल्लू की जो हालात होती है, जो दुर्दशा होती है ढालपुर ग्राउंड की, वो कैसी होती है। और जहाँ पर इस कूड़े को जलाया जा रहा है वहाँ पर आसपास झुग्गी झोंपड़ियाँ है, बच्चे रहते हैं, मतलब लोग रहते हैं। वो लोग कैसे सफ़र करते हैं मुझे ये नहीं पता, क्योंकि एक बार हम वहाँ से गए तो आप वहाँ पर टिक भी नहीं सकते। वो लोग तो हमेशा वहीं पर रहते हैं, पूरी गंदगी एक जगह उन लोगों के लिए छोड़ी गई है। रघुनाथ जी का शिविर है और उसके सामने के हालात, देखिए हमारा डाल टी वाले डंडा लेकर आ गए हैं और इन्हें भगाने का काम कर रहे हैं। अब लास्ट में यही होता है इन लोगों के साथ, वहाँ पर इनके सभी जो बैट है वो फेंके जा रहे हैं, देखिए कमेटी वालों के द्वारा। धक्का मुक्की तोड़ तोड़ाई का काम, भगाने का काम। मुझे यहाँ पर एक शॉप में जाना था और वो शॉप शायद यहाँ से उठ चुकी है, अब मुझे नहीं मिलेगी। और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला जो मैं ढूंढने आई थी। ये देखिए कूड़ा हमारे पीछे। आपको डोम के अंदर के हालात दिखाते हैं। ये मोबाइल की शॉप थी शायद। कचरे के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
स्पीकर के द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि सामान उठाएं। कहाँ जा रहे आप? यहाँ पर एक दो दुकानें बची हुई हैं, तो चलिए हम भी देखते हैं दुकान में है क्या। जाने के लिए रास्ता, जाते जाते इन लोगों पर दया भी आती है कि जिस तरह से इन लोगों के साथ बिहेव किया जाता है। पर छत भी निकाल दी गई है, आज बहुत जल्दबाजी में काम हुआ, अदरवाइज एक दो दिन का टाइम दिया जाता था जब लोग उठने वाले थे, लेकिन यहाँ पर एक साथ सभी उठ गए हैं। ये देखिए कूड़ा, ओह हम सेकंड डोम में थे तो अभी था एक डोम और बचा हुआ है। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आ गई हूँ, बदाप पहुँच गई हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगी घर तक पैदल, 2 किलोमीटर होगा घर तक चलने के लिए। तो अंधेरा होने वाला है, मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ। और यहाँ पर आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पर एंड करूँगी, कल मैं आपको दिखाऊँगी कि कुल्लू में क्या सिचुएशन है कूड़े की। मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कुल्लू आइए, आप सभी का वेलकम है। तो प्लीज़ यहाँ पर कूड़ा कचरा ना फैलाएं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, जब अगर मैं कुछ खा रही हूँ, मेरे हाथ में कागज़ है, मैं कभी भी उसको इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। या फिर डस्टबिन होगा, अगर डस्टबिन ना भी मिले, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है डस्टबिन नहीं मिलता है, तो जहाँ पर कचरे का ढेर होता है वहाँ पर मैं उसे ड्रॉप कर देती हूँ। तो घर पर भी मैं कचरा इधर उधर नहीं फेंकती, डस्टबिन यूज़ करो। या फिर हम तो डेली आग जलाते हैं, तो हम लोग उसको जलाते हैं, तो हम कई लोग नाले में फेंकते हैं। जो चीज़ आपके जलाने लायक है हम उसको जला देते हैं, यहाँ तक कि जो शूज़ होते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं, उनको भी हम जला देते हैं, मतलब फेंकते नहीं हैं। क्योंकि जलाने से हालांकि गैसेस निकलती है, पर वो ख़त्म हो जाता है, वो कूड़ा एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है। तो कुछ बॉटल्स होती है शीशे की, वो ख़त्म नहीं होती है, पर उसको भी हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह रख देते हैं, मतलब जहाँ से कचरा ना फैले। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंके, और अगर हो सके तो उसका अच्छी तरह उचित निपटान करें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कल कि कुल्लू में क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक दिन जब मैं आई थी बस स्टैंड साइड से, हद से ज़्यादा कूड़ा था वहाँ पे, इतना ज़्यादा कूड़ा था वहाँ पे। फिर जब मैं सेकंड टाइम वहाँ से आई तो वो कचरा जलाया जा रहा था, और धुआँ दिन भर वहाँ पर था। आज भी मैंने वहाँ पर आग जली हुई देखी, मतलब कचरा वहाँ पर डेली जलाया जाता है, डेली वहाँ पर आग लगी होती है, और इतनी स्मेल। तो कल देखते हैं सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि फिलहाल पूरी तरह कचरा भर गया है, और अभी तो और कचरा निकलेगा जब पूरी तरह दुकानें उठ जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपको ले जा रही हूँ कचरे के ढेर तक, क्योंकि एक दिन जब मैं यहाँ पर आई थी तो बहुत ही बुरी हालत थी। तो अभी जाकर देखते हैं, क्योंकि अभी धुआं निकल रहा है यहाँ पर, तो मुझे लगता है सुबह से यहाँ पर कचरा जलाया गया है, कि यहाँ पर रोड में कचरा बिखर गया था पूरी तरह से, और आप यहाँ से गुजर तक नहीं सकते, बसें भी कूड़े के ऊपर होके जा रही थी। तो अभी यहाँ पर धुआं निकल रहा है, कूड़ा जलाया जा रहा है, तो हम आए हैं मास्क के साथ। तो चलिए, और ये सामने ही झुग्गी झोंपड़िया है, और ये कचरा इस तरह से यहाँ पर था, इस तरह से पूरा बिखरा हुआ था यहाँ पर। ये जो आपको ग्रीन चादर दिख रही है, ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। ये देखिए हमारे कुल्लू की सिचुएशन किस तरह है, अभी तो यहाँ पर इससे भी 2-3 गुना कचरा और आएगा दशहरे का ढालपुर से। अभी भी यहाँ पर कचरा आ ही रहा है, कैसे करते होंगे ये लोग काम यहाँ पर इतने कचरों के बीच में, मुझे समझ नहीं आता। सारे शेड यहाँ पर कचरे से भरे हुए हैं, ये देखिए वहाँ तक कचरा, और ये हमारा कुल्लू। ये कचरा कहाँ है, ढालपुर का है, दशहरे का है, दशहरे का कचरा है ये वाला, ये दशहरे का। अभी और भी आएगा ना,
जानबूझ के पटाखे फोड़े उन्हें। अगर पटाखे आग नहीं लगी होती तब कहाँ डालना था ये कचरा? अच्छा वहाँ पे भगवान, ये कचरे के वहाँ क्या करते है कचरे का? मैं आपकी शक्ल नहीं ले रही हूँ, नीचे आइए। अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर आग नहीं लगाई गई है, यहाँ पर गलती से आग लगी है दिवाली के टाइम। यहाँ पर शायद किसी ने पटाखे फोड़े होंगे तो उस वजह से यहाँ पर आग लगी है, और उस टाइम से ये आग बुझी नहीं है, ये आग लग ही रही है। और ये सारा का सारा कचरा दुशहरे से आया है, और ये जो टिप्पर आपको दिख रही है लोड किए गए हैं मनाली के लिए, वहाँ पर कचरा शायद रिसाइकिल होता है, वहाँ पर ये सारा कूड़ा ले जाया जा रहा है लोड करके। और स्मेल यहाँ पर इतनी गंदे है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही सामने वाले लोग यहाँ पर रह कैसे रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी घर पे ज़्यादा कचरा इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। घर के जितने मेंबर हैं उनको डस्टबिन यूज़ करने को बोलती हूँ, या फिर हम चूल्हे में जला देते हैं साथ में ही कूड़ा, तो हम कचरा इधर उधर ज़्यादा नहीं फेंकते हैं। तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कचरे को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि आपका आप एक कचरा फेंको आपको देख के दूसरा लोग फेंकेगा, इस तरह से सभी लोग एक ही जगह कचरा फेंकें। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कचरे को एक निश्चित जगह पर फेंकें, जहाँ पर उसको जला कर ख़त्म कर सके, मतलब इधर उधर कहीं पर भी। क्योंकि मैंने देखा है कल भी बस एक बस जा रही थी तो किसी ने चिप्स का पैकेट खिड़की से बाहर फेंक दिया, और वो रोड में हवा के साथ इधर उधर जा रहा था। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और कुल्लू की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जा रही है, अभी 2-3 गुना कचरा और आएगा ढालपुर से। तो मनाली वालों, कचरा आपका वेट कर रहा है, क्योंकि मनाली में भी स्मेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जहाँ पर कचरा फेंका जाता है, और साथ में ही स्कूल भी है, और वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं नहीं पता। तो चलिए आपसे लेती हूँ अलविदा। तो अभी तो हम थोड़ा दूर आ गए हैं, यहाँ पर स्मेल ज़्यादा नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो लोग आएंगे तो कचरा ज़्यादा नहीं लाएंगे। अगर वो लोग कचरा लाने की हिम्मत रखते तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस कचरे को आप वापस भी ले जाइए अपना साथ, कि जो सामान यूज़ किया बेचा उसका जो पैकेट था बाहर के कागज़ थे वो सारा का सारा ढालपुर में फेंक दिया, और जो सफाई करने वाले हैं इन्होंने भी सारा कचरा यहाँ पर ला दिया। तो कचरे को इस तरह से ना फैलाएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।